आंसू आ रहे हैं अभी, रोना आ रहा है, तो टाइम क्या किया हमने? इंतजार कर रहे हैं, अपने भाई को वापस लाया हूं कि जानवरों के पास लाया हूं। दिनेश जी क्या हो रहा है? दिनेश जी इसको शर्म करो, कुछ तो कर दो। आप क्या कर रहे हैं? इसे मत करिए, हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं? मैं विनती करता हूँ ऐसे मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे बहुत खुशी है कि आज राजेश और नूपुर वापस घर आ रहे हैं। हमारी बहुत लंबी वेट रही, तकरीबन 10 साल की, 4 साल जिसमें से वो जेल में रहे, लेकिन आज उनको रिहा कर जा रहा है फुल ऑनर और डिग्निटी के साथ कि वो घर आ रहे हैं। उनको प्लीज अपनी लाइफ दोबारा रीस्टार्ट करने का आज मौका मिला है। उनको समय लगेगा अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने में, लेकिन क्योंकि उनको क्लीन एक्विटल मिला है, मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो इसी उम्मीद से अपनी लाइफ आज रीस्टार्ट करेंगे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर हेल्पिंग अस स्प्रेड आवर मैसेज। हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी, सबसे ज्यादा हमारे क्लाइंट्स ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज दासना जेल इस बात का गवाह है कि हमारे क्लाइंट्स जब यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर कितनी खिदमत करी, यहाँ पर भी उन्होंने नाम कमाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ जिसको उनके निर्दोष होने पे कभी भी शक हो। जो फैसला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है, ये उनके निर्दोष होने पर एक मोहर लगाता है और इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे क्लाइंट्स को गलत तरीके से फंसाने के लिए साजिश रखी गई और गलत तरीके से साक्ष्य पेश किए गए, जिसकी पुष्टिकरण अब इस जजमेंट से हुई है। हमारे क्लाइंट्स वापस घर जाना चाह रहे हैं। मैं आपके जरिए तमाम मीडिया की एजेंसीज की गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके जो उनसे छीना गया वो उन्हें वापस दे दें, उनका रिस्पेक्ट, उनको आप आदर करें और प्लीज़ लेट देम लिव इन पीस। This is at least what they deserve.